सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिमन्यु आईएएस नंबर वन प्लेटफॉर्म फॉर योर सीसेट प्रिपरेशन। तो स्टूडेंट्स, आज मेरा जो सेशन नंबर चार है, कौन सा है? योर डाउट्स आवर सॉल्यूशंस। मतलब आप मुझे एक पर्टिकुलर नंबर पे अपने डाउट भेज रहे हैं और जो क्वेश्चन मुझे लगता है कि मैं वहीं जवाब दे सकता हूँ। छोटे क्वेश्चन होते हैं जो मतलब जो नॉर्मल क्वेश्चन हैं उनका वहीं पर मैं आंसर कर देता हूँ, या तो वॉइस मैसेज के थ्रू या लिख के या फोटो खींच के। ठीक है, जो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं दो चार उनकी मैं एक लेके आता हूँ वीडियो, ताकि वो बाकी बच्चों को फ़ायदा उठा पाएँ। क्लियर? और नंबर क्या आपके पास? नंबर है आपके पास ये रहा 9517771651। इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं आप, इस नंबर पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। समझ आई बात? तो चलें आगे सेशन की तरफ। और देखो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आपने ज़रूर करना है, क्योंकि यही तो ज़रूरी है। बाकी बच्चे कैसे जुड़ेंगे? जब तक आप इसको शेयर नहीं करेंगे, बाकी बच्चे कैसे जुड़ेंगे मेरे साथ? कैसे उनका सीसेट क्लियर होगा? आपको अगर क्लियर करना है तो बाकियों को भी तो क्लियर करना है अच्छे नंबर से। बस यही फ़र्क है। तो प्लीज़ जुड़े रहिए मेरे साथ, मैं आपको बता रहा हूँ बहुत अच्छा स्कोर आएगा। और ये सेशन बहुत काम के सेशन है, मैं भी बता रहा हूँ। दीज आर सम आउटस्टैंडिंग सेशंस, बिकॉज यहाँ पे आपके क्या हैं याद रखना, जो डाउट है ना वो कॉमन होता है हमेशा, बहुत रेयर है। अगर 10 में से 6 बच्चों का डाउट है ना, तब मैं लेके आऊँगा ऐसे क्वेश्चन। समझ आई बात? तो दीज आर सम मतलब अच्छे क्वेश्चंस हैं, लॉजिकल क्वेश्चंस हैं। हर एक क्वेश्चन में आपके पास क्या कॉन्सेप्ट है, कुछ लॉजिक है जिसको हमें समझना है कि व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग, व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग टू अस। क्लियर? तो लेट अस प्रोसीड विद द क्वेश्चन नंबर वन। क्लियर? सो होपफुली आपने लाइक कर दिया, शेयर कर दिया और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को। क्लियर? चलिए चलिए देखो, ये एलसीएम एंड एचसीएफ से क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन मैं बहुत बार करवा चुका हूँ। फाइंड द लीस्ट नंबर विच वैन डिवाइडेड बाय 5, 6, 7 and 8 लीव्स अ रिमाइंडर 3, बट वैन डिवाइडेड बाय 9 लीव्स नो रिमाइंडर। अब इसमें बेसिक बच्चे की शिकायत क्या थी, देखिए कि सर एलसीएम लेके नंबर फाइंड आउट कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पे नंबर फाइंड आउट करने की आपको कोई ज़रूरत भी नहीं है। मैं अगर बताऊँ, नंबर खुद आएगा, आप अपनी तरफ से कुछ भी अज्यूम मत कीजिए। देखिए, सबसे पहले क्या है, लीस्ट नंबर की बात आएगी तो आप क्या निकालेंगे, एलसीएम यानी 5, 6, 7, 8। 5 का मतलब 5 की पावर 1, 6 का मतलब 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1, ये 7 की पावर 1 है और ये क्या 2 की पावर। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एलसीएम कैसे फाइंड आउट करना है, एलसीएम कैसे फाइंड आउट करना है। तो ये क्या हो गया, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। क्लियर स्टूडेंट्स? 8 × 5 = 40, 40 × 21, 7 × 21 और ये कितना हो गया आपके पास ये तो नंबर हो गया बेसिकली मेरे पास, ऐसा एक नंबर है लीव्स रिमाइंडर थे। इसका मतलब नंबर टाइप क्या हुई मेरे पास, (840K+3, not -3) -3 लिखा, यही गलती जो स्टूडेंट की थी माइनस नहीं प्लस, क्योंकि रिमाइंडर बच रहा है। रिमाइंडर देखो क्या होता है, अगर मैंने डिवाइड किया, यहाँ पे 5 है, यहाँ 3 है, 3 × 3, तो ये 2 जो बचा ना, ये मेरा रिमाइंडर है जो लेफ्ट ओवर। अगर मैंने माइनस कर दिया इसमें से तो वो तो लेफ्ट ओवर तो बचा ही नहीं, बल्कि वो तो जो मेरा एलसीएम है उससे भी छोटा एक नंबर मेरे पास आ जाएगा। अब वो क्या करें, लीव्स 9, अब मतलब लीव्स नो रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 9। अब आपने कुछ नहीं करना, देखो आपको पता 9 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, 9 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, सम ऑफ डिजिट डिवाइडेड बाय 9, सम ऑफ डिजिट डिवाइडेड बाय 9 है, बिल्कुल सिंपल बात होती है। अब देखो, जब मैंने यहाँ पे k की वैल्यू 1 पुट की तो कितना है, 8, 4 + 3 यानी 843 आ गया। तो क्या देखो, 843 ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन में भी कहीं नहीं दिख रहा मुझे, तो 8, 4, 12, 3, 15 नंबर भी वैसे भी नहीं कटेगा ये। जरा वैल्यू 2 पर 2 डालिए, व्हेन k इज इक्वल टू 2, 840 × 2 + 3 कितना हो गया, 1680 + 3 कितना हो गया, 1683, 8, 14, 15, 16, 17, 18। यस, ये नंबर कटेगा पूरा पूरा और यही मेरा आंसर ऑप्शन नंबर है। क्लियर? कि 9 से वो नंबर कटना चाहिए, तो आपको वैल्यूज फाइंड आउट करके ऐसे देखनी पड़ेगी स्टूडेंट्स। क्लियर? होपफुली ये क्वेश्चन क्लियर होगा और आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया होगा, धन्यवाद। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए
रीता इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ ए फॉर 2 years एट 12% कंपाउंड इंटरेस्ट एंड रिसीव्ड सम अमाउंट या सम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट. ओके, सोनाली इन्वेस्टेड रुपीज ए प्लस 1500 फॉर 3 years एट 8% सिंपल इंटरेस्ट एंड रिसीव्ड सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एज रीत रिसीव्ड. फाइंड द अमाउंट दैट इज इन्वेस्टेड बाई रीत. अब मेरी बात ध्यान से सुना, मतलब मुझे वैल्यू ऑफ ए निकालनी है. उसने क्या बोला, सेम इंटरेस्ट मिल रहे, सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एज रीत. देखो, जब भी आपके पास ये चीज़ आए ना, आप एक फॉर्मूला याद रखिए, 2 साल के लिए ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, यानी कितना हो गया मेरे पास, 12 प्लस 12 प्लस 12 गुना 12/100. यानी जब मैं बात करूँगा रीत की, रीत को ऑल ओवर कितना मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, 24 प्लस 1.44, यानी कितना हो गया बेसिकली, यानी रीत के केस की बात करो तो टोटल इंटरेस्ट कितना मिला, 25.44% ऑफ किसका अमाउंट, क्या है इसका ए है, मतलब शुरू में प्रिंसिपल दिया, जो भी मुझे रीत, जो रीत के विद रिस्पेक्ट टू पैसा दिया वो कितना ए है. सेम अमाउंट मिल रहा है किसको, सोनाली को 3 साल में 8% सिंपल इंटरेस्ट. हमें पता है कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए ये, बट सिंपल इंटरेस्ट के लिए मैं क्या करूँगा, हर साल सेम, 1 साल का 8, 2 साल का 16 और 3 साल का 24. यानी ये मिल रहा है कितना, ए प्लस 15, इसका कितना, 24%. ये चीज क्लियर, सॉरी 1500 ए प्लस 15 ये, इसका कितना मेरे पास 24%. बस ये सॉल्व कर रहा हूँ और आपका आंसर देखा, ऐसे आंसर. वरना जब आप सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूलेज लगाएंगे वो बहुत लंबी लंबी इक्वेशन जाएंगी और वो कहीं ना कहीं आपके लिए एक जी का जंजाल वाला इक्वेशन बन सकती है एग्जामिनेशन हॉल में, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो. तो ये कितना आ गया, 25.44% ऑफ ए इज इक्वल टू 24% ऑफ ए प्लस ऑफ 1500 इंटू 24/100. क्लियर होगी बात, चलिए इसको काटिए जरा. देखो यहाँ पे माइनस करो, 25.44% माइनस 24% ऑफ ए बराबर कितना, 15 गुना 24. तो ये कितना होगा, देखो 1.44 आएगा, डिवाइड करो, परसेंटेज हटाओ, इंटू ए इज इक्वल टू कितना, 15 गुना 24. तो 12 दूनी 24, 12 गुना 12, 2 6, 3 दूनी 6, 3 5 15 और 2 50. तो 50 गुना 100 कितना, 5000 गुना 5 कितना हो मेरे पास, ऑप्शन नंबर बी 25000. इस क्वेश्चन को ब्यूटीफुल वे से कैसे आप देखेंगे कि अगर मैंने ये एक स्टेप लिख दिया ना, बस यहीं पे मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया. मैंने कोई भी कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट का बेफजूल का फॉर्मूला नहीं लगाया. मैंने इसे कैसे सॉल्व किया है, मैंने इसे सॉल्व किया है परसेंटेज के तरीके से, समझ आएगा. मैंने कैसे सॉल्व किया इसे, मैंने इसे परसेंटेज के तरीके से सॉल्व किया, मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी यहाँ पे नहीं लगाया. क्लियर. तो जब आप परसेंटेज से क्वेश्चन करने लग जाते हो ना, तो इसका मतलब आप थोड़े से करने लग गए क्वेश्चन. अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास. शॉपकीपर, ये दो क्वेश्चन थोड़े हल्के थे. शॉपकीपर मार्क्ड अ प्रोडक्ट 20% अबव द कॉस्ट प्राइस एंड सोल्ड द प्रोडक्ट फॉर 3888 बाय गिविंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 10% ईच. फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट एंड लॉस परसेंटेज ऑफ द शॉपकीपर. देखो अब 2-3 चीज़ों में कर सकते हो क्वेश्चन, ये मैं बता रहा हूँ, बट मैं बेस्ट वे में करवाने वाला हूँ. मुझे क्या बोला है, देखो आप ऐसा कर सकते हो, 100 की चीज़ 120 में, ठीक है. मैं कंपेयर करके दिखाऊंगा क्यों मेरा जो तरीका है, मेरा जो कोर्स में करवाए गए सारे तरीके हैं वो बेस्ट है. क्यों बेस्ट है मैं बताऊंगा अभी, कंपेयर करके. यहाँ पे ये तरीका बुक वाला और यहाँ पे मेरा तरीका, ठीक है. उसके बाद क्या करोगे आप, इसके बाद 2 बार 20% का आपने लगाना, फिर कोई वैल्यू आएगी उसे कंपेयर करोगे, है ना. एज कम्पेयर टू मैं डायरेक्टली कर दूँ, सॉरी 10% 20% नहीं, ये 20% था. मैं कैसे करने वाला हूँ, देखो 20% अब 20% का मतलब 1/5, यानी 5 की वैल्यू 6, यानी 5 की चीज़ 6 में. उसके बाद आपको 2 लगातार बराबर 10% के डिस्काउंट देने,
यानी 10 की वैल्यू 9, फिर 10 की वैल्यू 9, यानी मैं कह सकता हूँ 5, 50, 500, जो 500 था वो कितना हो गया, 81 इंटू 6, 6 कम 6, 486, क्या 486 हो गया, जो वैल्यू 500 थी क्या वो 486 हो चुकी है, यस वो 486 हो चुकी है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब मेरी बात आप ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली फाइनल प्राइस कितना दिया, 3888, तो 6 को अगर मैं 8 से गुना करूँ चलेगा, मैं सिर्फ यूनिट डिजिट देखा भी मैंने नहीं बोला, ये नंबर क्या है मेरे पास, 400 जमा 80 जमा 6, इसे करो जरा 8 से, 8 चौके 3200, 8 640, 8 छक्के 48, यानी 3200, 3200 और 6 38 आ गया, तो ये कितना टाइम हुआ 8 टाइम्स, तो ये भी कितना हुआ 8 टाइम्स, 5 चौके कितना हुआ, और सॉरी 8 पंजे कितना हुआ 4000, तो 4000 मेरे पास आ चुका है इसका कॉस्ट प्राइस, क्लियर। तो खुद बताइए ये मेथड शानदार है, डेफिनेटली यही है, इसमें कहाँ उलझोगे, फिर लगाओगे डबल तीन बार भी लगाओगे इसमें, जब भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी स्टूडेंट साहब, क्लियर। अब देखिए इसका मतलब 4000 की चीज़ हमने कितने बेची है, 888, यानी 112 रुपये का मुझे नुकसान हो रहा है, कितने में 4000 में, एंड ऑफ 100%, तो ये कितना 112/40, यानी तकरीबन 2.8 आएगा मेरे पास, 256 × 112, क्लियर। तो ये कुछ बेहतरीन तरीके थे, क्योंकि ये कुछ इंद्र खास नहीं था, ये आप इजीली कर सकते थे, बट मैं सिर्फ ये मेथड शो करने के लिए आपके सामने क्वेश्चन लेके आया, मुझे कोई शौक नहीं ऐसे क्वेश्चन करवाने का, ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हैं, आप बहुत शानदार हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, बट क्या ये मेथड आपको आता है, अगर ये मेथड नहीं आता ना, तब आपको सोचने की ज़रूरत है, तब थोड़ा सा थिंक टैंक को अपनाने की ज़रूरत है कि क्या मुझे अच्छा करना चाहिए, क्योंकि ये कॉमन बच्चा कर रहा है, आप अगर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करेंगे तो उस लिस्ट में नहीं आएंगे जिसमें आपको होना चाहिए। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आई थिंक चार ही थे शायद आज। अ ट्रेन गोस 2210 किलोमीटर फ्रॉम स्टेशन ए टू स्टेशन बी एंड कंप्लीट्स द जर्नी इन टाइम, इन रिटर्न जर्नी ड्यू टू सम इंजन प्रॉब्लम ट्रेन स्टार्टेड 20 आवर्स लेट, अच्छा 20 घंटे लेट, एंड टू रीच ऑन टाइम ट्रेन एवरेज स्पीड इज इंक्रीज बाय 8 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन। देखो 20 घंटे का डिफरेंस, बेसिकली इस तरह के क्वेश्चन में अब ये देखिए डिफरेंस क्या है, यहाँ पे टाइम का डिफरेंस क्या है 20 आवर्स, यानी टाइम इनिशियल माइनस ऑफ टाइम इनिशियल माइनस टाइम फाइनल 20 आवर, टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड इनिशियल, डिस्टेंस अपॉन स्पीड फाइनल, अगर कभी डाउट हो ना इनिशियल फाइनल कौन सी है, इंक्रीज देख लो कि इसमें जिसका डिनोमिनेटर बड़ा वो नंबर छोटा, तो डेफिनेटली बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, तो डिस्टेंस कितना है मेरे पास 2210, इसको एक्स मान लीजिए, माइनस 2210 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास स्टूडेंट्स 20, इसको सॉल्व करना आपका आंसर आ जाएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर चाहिए, इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में, क्लियर। चलिए तो ये कितना आ गया देखो x प्लस 8 माइनस ऑफ x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 8x एंड मल्टीप्लाई 2210 इज इक्वल टू 20, इसको काटिए जरा देखो ये x x गया तो अल्टीमेटली कितना बचा 8 मल्टीप्लाई 2, कैलकुलेशन बहुत आसान है, इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर प्लस 8x, तो काटिए जरा 4 टाइम्स, तो ये कितना हो गया x स्क्वायर प्लस 8x माइनस ऑफ 884 और ये शून्य के बराबर आ गई, ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, अब इस इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है कैसे सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, 884 कोई दो ऐसे नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करने पे 884 आ रहा हो, उनका डिफरेंस 8 आ रहा हो, देखो 884 के फैक्टर बना के देखिए थोड़े से वे टाइम थोड़ा सा करके देख लेते हैं इसको, देखो 884 साफ साफ दिख रहा है कि 2 गुना 4 42
दो गुना कितना 221 ऐसा कुछ आ रहा है। अब 221 के फैक्टर्स आपको चाहिए, अब 221 के फैक्टर आपको चाहिए। क्या ये नंबर 13 से कट रहा है, ध्यान से देखो, क्या 13 से कट रहा है, 13 से कट रहा है, देखो जरा। अगर मैं इसे 13 से काटना चाहूँ, 221 डिवाइडेड बाय 13, यहीं पे आंसर आ जाएगा आपका। 13 एकम 13 कितना बचा, 91, 13 सत्तर 91 आ गया जी, 13 गुना 17 गुना 2 गुना 2 तो कितना आ गया 26 और 34। क्लियर, ऐसे फैक्टर्स बनाए जाते हैं। बेसिकली जो स्टूडेंट को दिक्कत थी ना फैक्टराइजेशन में थी, वो मैंने बता दिया, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 34x माइनस ऑफ 26x माइनस 884 इज इक्वल टू 0। सो x इंटू एक्स प्लस 34 माइनस 26 इंटू ऑफ, तो x की वैल्यू क्या आ गया से 26, और यही मेरा आंसर ऑप्शन नंबर बी वाज द। क्लियर, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। मैं फिर बता दूं स्टूडेंट्स, 9517771651 इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपना डाउट भेज सकते हैं, समझा कि बात, अपना डाउट भेजिए मुझे ताकि मैं उसका सलूशन आपके सामने लेके आ सकूं। क्लियर, तो स्टूडेंट ये हमारे पास एक बैच है सी सेट का, ठीक है, जिसकी टाइमिंग 3 से 4:30 है। ये ऑलमोस्ट 4 डेज ए वीक बैच है, टोटल लेक्चर 180 से ज़्यादा है। ये मेरे पास लाइव बैच है, लाइव बैच है मतलब कि अगर बाई चांस कोई वीडियो रह भी जाए, लाइव रिकॉर्डेड भी मिल, आपको वो रिकॉर्डेड वीडियो भी मिल जाएगी, ठीक है, पूरे एक साल तक वो रहेगी आपके पास। 50 क्वांट के, 25 लॉजिकल के और 15 इसमें इंग्लिश के लेक्चर्स हैं, प्रीवियस ईयर के 15 एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन 50+, लाइव मेंटरशिप के 30+ मेरे पास यहाँ पे लेक्चर देखने को मुझे मिल रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप अगर बैच में जुड़ेंगे तो वहाँ पे 3-4 चीज़ें मिलती हैं, जैसे मैं बात करूँ लेक्चर की PDF मिलेगी आपको, रिसोर्सेज, थ्योरी पार्ट मिलेगा सारा, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मैं आपको घर से दूंगा, ठीक है। और हर लेक्चर के साथ ना 30 मिनट का आपके पास एक डाउट सेशन है, ठीक है, क्योंकि मैं आपको डाउट शीट भी दे रहा हूँ, प्रैक्टिस शीट, और हर एक जैसे टॉपिक खत्म होगा तो वहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, वहाँ पे एक मैं टेस्ट लगाऊंगा, उस टेस्ट के भी डाउट्स वहीं पर लूँगा मैं आपके। फिर हर संडे को वीकली क्लास टेस्ट भी हो रहा है आपका, तो दीज आर सम की फीचर ऑफ दिस बैच, क्लियर। और जो टेस्ट होगा संडे को आपका, उसका आपको वीडियो सोल्यूशन मिलता है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि सारे वीडियो क्लिक्स वहीं आते हैं। नेक्स्ट है मेरा माइक्रो कोर्स। अब माइक्रो कोर्स एक ऐसा यूनिक फीचर है अभिपीडिया का जिसके अंदर आप पर्टिकुलर टॉपिक भी कर सकते हैं, जैसे आपको पता है नंबर सिस्टम, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, दीज आर सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, समझ आ गई बात। चूज एग्जाम, सी सेट, सब्सक्रिप्शन, वीडियो कोर्सेज, टेस्ट कोर्सेज हैं, ये हमारे आप माइक्रो कोर्सेज, क्लियर। जैसे देखिए स्टूडेंट नंबर सिस्टम है, देखिए इसके अंदर सब साफ साफ बताया हुआ है कि हाईली प्रायोरिटी, हाई प्रायोरिटी, हाई प्रायोरिटी में, यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी आए हैं मेरे पास, ठीक है। जैसे देखो ये यहाँ पे देखेंगे, क्लिक किया 23 में, 21 में, 20 में, कितने कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं, क्या मिल रहा है आपको यहाँ पे, देखिए एक बार थोड़ा देखें मेरे को क्या मिल रहा है। जैसे नंबर सिस्टम ही करना हो, 11 लेक्चर्स मिल रहे हैं, 10 वेब नोट्स, वेब नोट्स वही काम जो रिसोर्सेज का थ्योरी पार्ट है मेरे पास, ऑलमोस्ट 450 ग्राउंड क्वेश्चन है जिसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस आपके कुछ मॉडरेटेड नई लेवल के क्वेश्चंस भी है स्टूडेंट्स, क्लियर। तो दीज आर सम एडवांस क्वेश्चंस, क्लियर। और यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के वीडियो सोल्यूशन भी मिल रहे हैं, और ये हर चैप्टर के साथ है, देखिए हर एक चैप्टर के साथ है, चाहे आप लॉजिकल रीजनिंग की बात करें, चाहे आप इंग्लिश की बात कीजिए, क्लियर। इंग्लिश का पूरा बंडल कितने का मिल रहा है आपको, 731 का, ऑलमोस्ट 1200 के अराउंड क्वेश्चंस है, 8-10 लेक्चर्स हैं आपके पास, और दीज आर सम एडवांस लेवल लेक्चर्स, क्लियर। तो अवेल अभी के अभी इसको प्लीज़ अवेल कीजिए, क्लियर। यहाँ पे 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डाल के आप क्या कर सकते हैं आप अपने काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं स्टूडेंट्स हमारे साथ, ताकि हम आपसे जुड़ सकें और आपका सपना साकार कर सकें, ठीक है। या आपकी कोई डाउट भी हो तो भी हम कर सकें, और ये हमारे पास सारे के सारे वीडियो कोर्सेज जो अवेलेबल हैं, क्लियर, तो इन्हें भी आप ले सकते हैं। ये फ्री वार्म अप कोर्स है और ये सर के मेंटरशिप के वीडियोज़ हैं, प्लीज़ देखिए आज ही और जुड़िए हमारे साथ। थैंक यू स्टूडेंट, सारे के सारे लिंक मिलेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, थैंक यू। कोई डाउट हो तो 9517771651 नंबर आपको बता चुका हूँ, थैंक यू।